हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो रिलेटेड अबाउट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नंबर 9, विच इज़ यूजफुल फॉर और हेल्पफुल फॉर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. सो एज पर द MSBT CD बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन, हेयर आई विल डिस्कस विथ दिस डेमोन्स्ट्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल. सो टाइटल इज दैट टू इंटरप्रेट फ्रॉम द ग्राफ बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलीन ऑन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन on isolated heart of a frog by using the CD of MSBT. Now we will see video. This is practical number 9, pharmacology and toxicology for second year D pharmacy students. So aim is that to study the effect of acetylcholine on frog hearts. So aap yahan pe dekh sakte hain ki jo bhi effect hai acetylcholine ka ki frog ke heart pe kya hota hai, ye hum aaj is practical demonstration se dekhne wale hain. With the help of CD-based demonstration. So, objective is that to record and understand mechanical activity of heart, to understand the chronotropic and anatropic effect, and to understand the mechanism of action of acetylcholine on heart, and to understand the terms bradycardia and tachycardia. So, these are the objectives of this practical, practical number 9. Acetylcholine ka jo bhi effect hai heart pe wo dekhne wale hum. Right? So, now, this is the requirement as per the previous practical like that acetylcholine, here is the drug for effect, right? Jo bhi effect dekhna hai isliye hum acetylcholine use karne wale hain. Rather instruments are same as per previous practical like Sherrington rotating drum, Stirling heart lever, modified Sims cannula, perfusion bottles, right, dissecting tray. So we will move towards next. So theory behind experiment. Now what is acetylcholine? एसिटाइलकोलिन इज द मेजर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर, यानी कि वो क्या है कि जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में सीक्रेट होता है एसिटाइलकोलिन, और वो जो भी सिग्नल है नर्वस सिस्टम के वो पास करता है. सो एट द एटोनॉमिक एंड सोमेटिक साइड्स, जो भी एटोनॉमिक एंड सोमेटिक साइड्स है नर्व फाइबर्स की, तो उस पर वो रिलीज होता है. राइट, एसिटाइलकोलिन लाइक पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स, यहाँ एसिटाइलकोलिन जो भी है पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन पे उसका असर होता है. सो एसिटाइलकोलिन एक्ट थ्रू द मस्कारिनिक रिसेप्टर लोकेटेड इन द हार्ट, जो हार्ट में मस्कारिनिक रिसेप्टर होते हैं, राइट, लोकेटेड होते हैं, उस पर वो एक्ट होता है. सो हेयर इज दैट फिगर, राइट, प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स, देन एसिटाइलकोलिन जो भी सिनेप्टिक वेसिकल्स में रिलीज होता है, जो भी सिनेप्स होता है, सिनेप्स मीन्स द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि वह एक न्यूरॉन जो है उसका एंड प्लेट, राइट, और दूसरे न्यूरॉन्स का जो भी है बॉडी एग्जॉस्ट, राइट, तो उसे बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, राइट, तो नर्व का जो भी ज्वाइंट है उसे सिनेप्स कहते हैं. तो वहां पे वो एट द नर्व एंड प्लेट पे वो एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता है, राइट, सो एक्ट ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर, राइट, आप देख सकते हैं, देन पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर एंड देन इफेक्टर ऑर्गन्स. इफेक्टर ऑर्गन्स जहाँ वहां पे मस्कारिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, उस मस्कारिनिक रिसेप्टर से अटैच होके उसकी जो एक्शन है वो शो करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है सीक्रेट होता है, दिस इज द इफेक्टर सेल, हार्ट के सेल जो है मस्कारिनिक रिसेप्टर्स है, तो उसपे वो अटैच रहते हैं मस्कारिनिक रिसेप्टर, एंड थ्रू द मस्कारिनिक रिसेप्टर इट शो इज एक्टिविटी, एसिटाइलकोलिन उसकी एक्टिविटी शो करता है. नाउ एसिटाइलकोलिन हाइपरपोलराइज द पेसमेकर सेल, जो हाँ जो भी एसिटाइलकोलिन है वो पेसमेकर सेल को हाइपरपोलराइज कर देता है एंड डिक्रीज द रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन. डायस्टोलिक का क्या करता है, वो डिपोलराइजेशन करता है. सो दस द रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन इन रिड्यूस विच लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया. वहां पे क्या होता है कि ड्यू टू डिपोलराइजेशन, राइट, डिपोलराइजेशन की वजह से उसके जो कि इम्पल्स जनरेशन है वो कम हो जाती है ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन ऑफ हार्ट, राइट. मैंने पहले भी कहा है पोलराइजेशन ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जो भी आयंस है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं इन सेल एंड आउटसाइड द सेल, राइट, मीन्स इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एक्सचेंज द आयंस उसके ऊपर, राइट. सो ड्यू टू दिस हाइपरपोलराइजेशन एंड डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन कम हो जाता है एंड दिस लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया, राइट. सो ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है. सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ ब्रैडी
tachycardia. Okay. Discuss next things, means theory behind this experiment. So what exact happened at the level of cell? Acetylcholine also reduce atrial and ventricular contractility by acting on cardiac muscle. जी हाँ, जो भी हमने देखा था कि cardiac muscle पे, right, muscarinic receptor पे जो act होके acetylcholine क्या करता है कि उसकी जो भी heart rate and force of contraction वो कम कर देता है. तो पहले तो वो ventricular और atrial की contractility है वो कम कर देता है, right, reduce the atrial and ventricular contractility, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, कम होते कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलाइन. एसिटिलकोलाइन हाइपरपोराइज स्टेट में चला जाता है, राइट. सो एसिटिलकोलाइन इंक्रीज द पोटेशियम परमेबिलिटी विच लीड्स टू हाइपरपोराइजेशन एंड डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एसिटिलकोलाइन क्या करता है कि पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, एंड दैट्स थिंग बिहाइंड हिम डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर, राइट. सो एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर की जो वेंट्रिकल है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है. सो इट्स अनेबल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एसिटिलकोलाइन इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एसिटिलकोलाइन जो है डायमंड शेप में, राइट, रेड एंड डायमंड शेप में, तो उसकी जो भी आप देख सकते हैं पोटेशियम आयन कैसे आप आउटसाइड द सेल जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, राइट, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एसिटिलकोलाइन. यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हैं कि व्हाट हैपन और हाउ टू चेंजेस इन पोलराइजेशन स्टेट इन सेल, राइट. सेल मेम्ब्रेन में कैसे पोटेंशियल चेंज होता है, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू द एक्सेसिव पोटेशियम आयन्स आउटसाइड द सेल जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. नाउ इट्स चेंज योर पोटेंशियल, राइट. सो यहाँ से वहाँ पे क्या होती है कि डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. सो यहाँ इस तरह से वो इफेक्ट करता है एसिटिलकोलाइन ऑन द हार्ट मसल, रिड्यूस द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी. नाउ वी विल सी नेक्स्ट. सो दिस इज द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर दिस इज द असेंबली फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 9. यहाँ पे आप शेयरिंग टोन रोटेटिंग ड्रम देख रहे हैं, राइट. ये जो है ये है शेयरिंग टोन रोटेटिंग ड्रम. दिस इज द आइसोलेटेड हार्ट, राइट. सो स्टर्लिंग हार्ट लीवर, देन परफ्यूजन ट्यूब, देन दिस इज द सिम्स कैनुला एंड दिस आइसोलेटेड फ्रॉकर. आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट बीट कर रहा है, राइट. सो यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल एक्टिविटी लेनी हार्ट की. हम कौन से भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्मल एक्टिविटी उसकी रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, राइट. सो यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है. तो आफ्टर एसिटिलकोलाइन एडमिनिस्ट्रेशन उसका इफेक्ट क्या होने वाला है हम देखेंगे. सो दिस इज नॉर्मल एक्टिविटी, दिस इज द पीक, राइट. ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मेजर करता है उसके जो भी हाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. डाउनवर्ड जो पीक जाता है तो उस रिलैक्सेशन उसे मेंटेन होता है एक्टिविटी उसकी. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट रेट पर बीट पर मिनट, सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस इज द एक्चुअल नॉर्मल ग्राफ ऑफ. नाउ वी आर इंसर्टेड द एसिटिलकोलाइन ड्रग. आप यहाँ पे हम एसिटिलकोलाइन ड्रग इंसर्ट करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलाइन. इससे पहले हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटिलकोलाइन क्या करता है कि रिड्यूस करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट बाय एक्टिंग ऑन मस्कारिनिक रिसेप्टर ऑफ हार्ट. हार्ट के जो मस्कारिनिक रिसेप्टर उस पर एक्ट होके जो भी उसका हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है. हाइपरपोलराइजेशन यानी कि जो भी पोटेशियम आयन है पोटेशियम आयन की एक्स्ट्रा सेलुलर में मूवमेंट बढ़ जाती है. नाउ हियर इज क्लियरली डिफाइन एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ग्राफ से जो आफ्टर इंजेक्टिंग ऑफ द एसिटिलकोलाइन वहाँ पे ग्राफ कम दिख रहा है. पीक जो हाइट है पीक हाइट कम हो गई है. तो इस इफेक्ट से हम इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि एसिटिलकोलाइन क्या कर रहा है कि हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि उसकी रिड्यूस कर रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होने से उसकी हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो रहा है. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ है और ये एसिटिलकोलाइन दे रही है. सो ऑब्जर्वेशन टेबल, एसिटिलकोलाइन 0.1 ml दिए हैं तो हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाए हम डोज, राइट, तो वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगा.
राइट, पीक साइज कम हो जाएंगी। सो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि एसिटिलकोलीन डिक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, मीन्स नेगेटिव क्रोनोट्रोपी एंड नेगेटिव आइनोट्रोपी की इफेक्ट वो दिखा रहा है। हम देख चुके हैं कि प्रीवियस प्रैक्टिकल में कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रिलेटेड अबाउट हार्ट रेट एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट रिलेटेड अबाउट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे तो दोनों भी कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट। सो इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव उद्दिष्ट वो कंप्लीट हो रहा है कि इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि एसिटिलकोलीन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है हार्ट पे, दस कोलिनर्जिक फाइंड द एप्लीकेशन इन टैकीकार्डिया। सो हम टैकीकार्डिया में इसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो टैकीकार्डिया जो कंडीशन होती है तो वहाँ पे हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होता है, राइट, तो उसे कम करने के लिए हम कोलिनर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं एसिटिलकोलीन, वो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड हार्ट रेट कम कर सकता है, नॉर्मल पोजिशन पे ला सकता है, टैकीकार्डिया कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, सो नाउ हियर ऑब्जर्व द टेबल एंड वी विल सी द ग्राफ। आप देख सकते हैं आप ये, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ एसिटिलकोलीन पे, तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा जाए जैसे पीक साइज क्या हो रही है कि कम हो रही है, आप देख सकते हैं डिक्रीज 4.4 ml पे, नाउ इट इज अगेन डिक्रीज। सो व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिलकोलीन देन डिक्रीज द पीक साइज, मीन्स जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड हार्ट बीट कम हो जाती है। जो भी नॉर्मल फ्रॉग हार्ट रेट बीट होते हैं 35 बीट पर मिनट होते हैं, राइट, फ्रॉग के। सो व्हाट यू लर्न, एसिटिलकोलीन इनहिबिट द हार्ट फंक्शनिंग बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। एसिटिलकोलीन मिमिक्स द मस्कैरनिक एक्शन, वो एसिटिलकोलीन जो है मिमिक्स करता है मस्कैरनिक एक्शन। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड स्टडी वेल एंड गिव द आंसर इन प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन द बेस ऑफ दिस वीडियो। सो मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए ये वीडियो ताकि जो भी डीफार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनको बेनिफिट हो सके फॉर MSBT एग्जाम, राइट। सो इस तरह से वो सर्कुलेट करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।